समीर का मास्टर ट्रक से हमेशा खेलते हैं लोग, मास्टर ट्रक इस तरह जाता है जंप करके कार क्रश करता है। आज सही में समीर का मास्टर ट्रक हमारे इसको बॉल को क्रश कर दिया है। एंड वन ऑफ द बहुत हार्ड बॉल होती है, जल्दी फूटती नहीं है, देखिए करेले की है बट आज ये भी फूट गया। तो यू आर ड्राइविंग मास्टर ट्रक वेरी वेरी नहीं पास हो गया बेटा, वो बहुत डेंजरस है, दैट इज नॉट गुड। बोलो सबको बाय। नो हेलो बाय बाय। नो हाय हाय, अभी तो ब्लॉग शुरू हुआ है यार, अभी कैसे बाय बोल देंगे हम लोग। बाय 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 बाय। हाय 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 हाय, सब लोग रुक के रहिएगा, जाइएगा नहीं, ये लड़का नाटी है। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब दादा को हम लोग चाय देते हैं तो क्या बोलते हैं? दादा हो चाय आ गई, तो भोजपुरी में बोलते हैं कभी कभी। और पापा इन लोगों के साथ भोजपुरी में, इंग्लिश में और हिंदी में तीनों में बोलते हैं। आज का ब्लॉग इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अपना अमेरिका के डॉक्टर रमेश चंद्रा आज पापा के साथ स्पेशल भोजपुरी एपिसोड ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। सो दादा हो चाय आ गई सिर्फ और सिर्फ दादाजी के लिए बोला जाता है। जब मैं इनको बोलता हूँ तो बोलते हैं नहीं। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में तैयार होंगे, पापा भी तैयार होंगे और फिर डॉक्टर रमेश चंद्रा से मिलते हैं और देखते हैं क्या। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। यस, पहले ये बताओ कि अपना अमेरिका कौन है? अंकल। अपना अमेरिका किसके फादर हैं? बेबी। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल? हम लोग के घर के सामने हैं, देख रहे हो तुम लोग? वो देखो मास्क लगा के कौन खड़े हैं सामने, कार के सामने, देख लिया? लेट्स गो। ओके, किससे मिलने जा रहे हो? नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल? और लेके जा रहे हैं? अच्छा, ओ गाइस, दैट इज स्मॉल फॉर यू। लेट्स गो डाउन। नीचे डॉक्टर रमेश चंद्र आ गए हैं, सर सारे बच्चे भी मिलना चाह रहे हैं, आपको घुमा देते हैं एंड पापा और रमेश चंद्र फिर निकल जाएंगे, लोग अपना ब्लॉग बनाएंगे। जोर से एक पिंक है, एक ब्लू है, कौन लेगा? हाँ हाँ ओके, समर को ब्लू दे दो, तुम पिंक ले लो। जोर से तुम लोग बहुत चालू लड़के हो, चॉकलेट के बाद थैंक यू बोल रहे हो। अरे नो, उधर नहीं जाना है। डॉक्टर रमेश चंद्रा उधर पापा के साथ ब्लॉग बना रहे हैं भोजपुरी में और हम इधर इन लोगों को लेके निकल गया हूँ घुमाने के लिए। आई कैन कैच यू पैंट ऊपर करके। यस राइट हियर गो, हमारी टीम आ गई है, यहाँ अंदर ले जाएंगे और यहाँ पे स्टोन फेंकेंगे आधा घंटा। तुम लोग बोलते हो 5 मिनट और तुरंत हो जाता है 50 मिनट। ओके, बहुत सारे लोग हमारे ब्लॉग पे बोल रहे थे कि मैं भोजपुरी में ब्लॉग क्यों नहीं बनाता हूँ, मुझे कुछ भोजपुरी में ब्लॉग बनाना चाहिए। हम बता दें कि ऐसा हम कैसा क्यों प्रॉब्लम ना कि भोजपुरी में हमके बनाने में प्रॉब्लम है, चाहे भोजपुरी में बनाओ में हम बेइज्जती फील करीला, चाहे भोजपुरी बोले में बेइज्जती फील करीला, ऐसा क्यों बात ना हा? जब हम यूट्यूब बनाने जा रहे थे तब हमको ये डिसाइड करना था कि हम हिंदी में ब्लॉग बनाएंगे, इंग्लिश में या भोजपुरी में। इंग्लिश में हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि 100% इंग्लिश में हम कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल है हम हिंदी में या तो भोजपुरी में। तो हमेशा ब्लॉग उस लैंग्वेज में बनाना चाहिए जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो हिंदी और भोजपुरी में चूज करना था मुझे, तो हिंदी में इसलिए चूज किया कि मोस्ट ऑफ द माई फैमिली कंचन के साइड की, मेरे दोस्त जो US में हैं और बहुत सारे जो मेरे सर्किल हैं, मोस्ट ऑफ द लोग हिंदी बोलते हैं और इंडिया में भी हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, तो इसलिए मैंने हिंदी चूज किया और इसलिए मैं हिंदी में ब्लॉग बनाता हूँ। हाँ, फ्यूचर में ज़रूर मैं भोजपुरी में कुछ ब्लॉग बना सकता हूँ और मैं घर पे हिंदी में कंचन से बात करना पड़ता है क्योंकि उसको भोजपुरी नहीं आती है। पापा से मैं हमेशा भोजपुरी में बात करता हूँ, अपने घर पे भाई बहनों से मैं भोजपुरी में बात करता हूँ, कंचन के साइड अपने दोस्तों से सबसे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात करनी पड़ती है। और हमारे ब्लॉग पे जो ऑडियंस हैं, कोई बॉम्बे से, कोई मद्रास से, कोलकाता से, US में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो खुद देखते हैं मेरे ब्लॉग को। हिंदी एक ब्रॉड लैंग्वेज हो गई तो काफ़ी लोगों के पास पहुंचती है, इस वजह से मैंने हिंदी चूज किया था। हेलो पुलिस मास्टर ट्रक, वो देखो कौन आ रहा है, जा दौड़ के पकड़ो दोनों लोग, इधर समर दौड़ो, समर दौड़ो, उधर देखो कौन आ गया। पकड़ो 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 पकड़ो।
तो डॉक्टर रमेश चंद्रा ने अभी पापा के साथ भोजपुरी में ब्लॉग बनाया है, और जिसको ब्लॉग देखने का मन है इस वीडियो के नीचे लिंक रहेगा, जाइए देखिए पापा और रमेश चंद्रा भोजपुरी में बात किए हैं लोग, क्या ब्लॉग बनाया है हमें भी पता नहीं है। कजरी, सोहर, सोरठा, अच्छा नौटंकी नाच है ना, और मोठ, बहुत कुछ मटेरियल है, तो प्लीज जाइए और चेक कीजिए। मोठ क्या है? मोठ अगर आप सबको मोठ के बारे में पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि मोठ क्या चीज होता है। ये तो हमें ही नहीं पता, आजकल के जमाने मोठ लोग ना जाना चाहिए। नहीं बहुत हेयर 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 पकड़ लिया। अपना अपना टमी बचा के भागो, नहीं तो पिक टमी पकड़े जाना। टमी 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 टिकल टमी टिकल टमी टिकल टमी पकड़ लिया। That's not tummy. आपको लड़कों को ट्रिक करना आपको भी बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से, मतलब कैसे घुलाना मिलाना है या कैसे इनको ट्रिक करना है बहुत अच्छे से मिला लेते हैं। हम तो अपने बच्चों से गेम बहुत खेलते हैं। बाय बाय, जोर से बोलो प्यार से। नेक्स्ट टाइम आएंगे हम सब गेम खेलेंगे फिर से। ओके, व्हाट इज दिस? हां, गुड बॉय। पापा जाने वाले हैं तो हम लोग सब समर समीर के कपड़े पैक कर रहे थे, क्योंकि हमारी सिस्टर का है और भाई के एक एक लड़की हुई है, तो सोचे कि दे दें। और हम लोग देख देख के इमोशनल हो गए हैं कि इनके छोटे छोटे कपड़े हैं, थोड़े थोड़े पैंट, और इतनी याद आ रही है ना, सूंघ सूंघ के टेस्ट कर रहे हैं कि उस टाइम की स्मेल हम लोग को थोड़ा सा मिल जाए। बहुत इमोशनल बिजनेस है, और बहुत वो लग रहा है कि इवन मुझे याद आ रहा है कि इसमें कौन कौन वीडियो बनाया हूँ, कौन कौन क्यूट बिहेवियर वो लोग किए हैं, सब कुछ मतलब याद आ रहा है। अभी जस्ट हम लोग वही पैक कर रहे हैं, हर कपड़े के साथ कुछ ना कुछ याद है। ये हॉस्पिटल से हॉस्पिटल वाले दिए थे, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हॉस्पिटल में। हम बता दें, इमरजेंसी में जो लड़के भर्ती रहते हैं उनके पेरेंट्स उनसे मिलने आते हैं, तो वेटिंग एरिया में बैठे रहते हैं, तो हॉस्पिटल क्या करता है कि उनको ऊन और ये सब क्या बोलते हैं, सलाई दे देते हैं, और बैठे बैठे वो लोग बना के और वहीं पे रख देते हैं, फिर जिसको ज़रूरत होती है वहाँ से वो हॉस्पिटल वाले एक एक दो दो देते रहते हैं। बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है सब। सुन लो अब जाके समझ में आया ना कि गाय भैंसे अपने बछड़े को क्यों सूंघती हैं। ये देख कितना क्यूट लग रहा है, इतना छोटा सा, मतलब पहने नहीं थे समर समीर, छोटा हो गया था, छोटा नहीं हुआ था, एक ही था साथ, क्या पता नहीं पहने नहीं, बट देख कितना अच्छा लग रहा है, क्यूट की माय गॉड, क्या वो मोमेंट था। कंचन, वी शुड हैव मोर बेबी, प्लीज वी शुड प्लान नेक्स्ट बेबी सून। समर समीर के मोजे हैं, माय गुडनेस। लग रहा है कि इतना भी छोटा कपड़ा।